अगले गेस्ट विवेक मित्तल सर को स्वागत करते हैं। विवेक सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका अपडेट से शुरुआत करते हैं फिर व्यूअर्स के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आपके अपडेट देखिए, अपडेट्स में कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर कि अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, जो हम अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं। लाइक डिश टीवी है, डिश टीवी में एक खबर आई है जिसकी वजह से आज एक मूव बहुत तेज देखने को मिल रहा है। वो ये है कि इसमें यस बैंक की करीब 25% होल्डिंग है और यस बैंक ने कहा है कि जो भी इनके बोर्ड डिसीजन ले रहे हैं हम उनके बोर्ड के डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हमें लगता है कि बोर्ड को चेंज होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। ये इम्पॉर्टेंट दो मायने में है। एक इसलिए, वैसे आप फर्स्ट स्टैंस में सुनेंगे तो उन्होंने कहा, यस बैंक ने मांग की कि जो कंपनी के करंट एमडी हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अपना इस्तीफा दें। चार लोग उन्होंने नाम लिए और उसके बावजूद भी शेयर 10% ऊपर है। तो उसका कारण ये है कि मार्केट इसको दो तरीके से ले रहा है। एक कि यस बैंक की 25% होल्डिंग है तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेंज करवाना चाहता है, और मैनेजमेंट चेंज कराना चाहता है तो ये कंपनी नए हाथों में जाने की शायद उम्मीद लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसकी वजह से अगर कोई नया मैनेजमेंट आता है तो ये एक टेक ओवर कैंडिडेट बनता है और जिसकी वजह से इसमें एक मूव है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है डिश टीवी के लिए। दूसरा कि अगर करंट मैनेजमेंट अपनी कंपनी में ही रहना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं इसमें अपनी कंपनी में दोबारा से स्टेक बढ़ाना होगा या इसमें एक कोई ओपन ऑफर लाना होगा जिसके जरिए वो मार्केट से शेयर परचेज कर सके। तो दोनों ही केसेस में जो फायदा होगा वो डिश टीवी के शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। तो इसकी वजह से डिश टीवी में आज हम देख रहे हैं कि करीब 11% का उछाल देखने को मिल रहा है। एंड आई एम होपिंग कि अगर कुछ ऐसी बड़ी चीज जल्द ही कुछ दिनों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऐसी चीजों पर एक्शन रिएक्शन बहुत तेज होता है और एक्शन भी चूंकि यस बैंक ने कहा है बींग ए लार्जेस्ट शेयर होल्डर तो कुछ ना कुछ एक्शन तो डेफिनेटली होगा और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये एक फर्स्ट मूव है, हो सकता है आगे हमें अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं जिसकी उम्मीद भी बढ़ गई है तो मुझे लगता है कि ये शेयर बहुत तेज चलेगा। कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा और उसका जो भी इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपका अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सर आपका दूसरा अपडेट। जी दूसरा अपडेट है मैक्लॉयड रसल पर। मैक्लॉयड रसल में देखिए लगातार पिछले कई दिनों तक डाउन सर्किट लगे और जब डाउन सर्किट लगे थे तो क्वेश्चन भी आया था 24-25 रुपए के आसपास कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने तब भी यही बोला था कि इसको होल्ड कर चले क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी ठीक हो जाएगी और वो चीज हो भी रही है। हुआ क्या है, अब इसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं और इसमें आज अपर सर्किट खुला भी था। और अगर मैं बोलता हूँ कि अपर सर्किट खुले तो इट वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस शेयर, बिकॉज आप देखिए कि मैक्लॉयड रसल में जो एक कंपनी थी टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी, उनके साथ इनका एक विवाद था कि कुछ पैसे वैसे का लेन देन को लेकर। तो इन्होंने टेक्नो इलेक्ट्रिक ने इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पेटिशन डाल दी थी जिसको कि कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया था। फिर जो मैक्लॉयड रसल के प्रमोटर हैं खेतान साहब, उन्होंने टेक्नो इलेक्ट्रिक के प्रमोटर के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात पेशकश की और अब इनका सेटलमेंट हो भी रहा है और जो भी ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इससे मैक्लॉयड रसल पर जो इंसॉल्वेंसी का खतरा था वो टल चुका है। अब इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि इस इंसॉल्वेंसी के खतरे टलने का फायदा क्या है। अगर कंपनी इस स्टेज में है, कंपनी का ये जो हैंगओवर था इंसॉल्वेंसी का, इसकी वजह से कंपनी की जो बैंकर से बातचीत चल रही थी अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने की, वो अब पूरी हो जाएगी। वो पहले भी अंतिम चरण में थी लेकिन ये एक हर्डल आ गया था जिसकी वजह से उनको बैंकर्स ने अपने हाथ रोक दिए। अब चूंकि जब ये हर्डल हट गया है तो अब डेफिनेट सी बात है कि बैंकर्स के साथ इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी लोन की। कंपनी एक समय पर वर्ल्ड की नंबर वन टी प्रोड्यूसर थी, अभी भी इंडिया की नंबर वन टी प्रोड्यूसर है। सो और जो टी का मौसम है वो आ चुका है, जुलाई टू दिसंबर रहता है और इनका जो बेस्ट क्वार्टर होता है वो जुलाई टू सितंबर ही रहता है। यानी कि जो जुलाई सितंबर के रिजल्ट्स होते हैं
वो इनके वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं. सो मुझे लगता है कि फॉर नेक्स्ट फोर मंथ्स दिस स्टॉक इज गोइंग टू रॉक और ये बहुत अच्छे से चलेगा. टी के प्राइजेस मल्टी ईयर हाइस पर है, टी और कॉफी के प्राइजेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ब्राजील में और कुछ कुछ जगहों पर जहां पर बड़ा प्रोडक्शन होता है टी और कॉफी का, वहां पर कुछ सूखा पड़ गया है, कहीं पर कुछ सरकारें बदल रही हैं, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस कंपनी इज गोइंग टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस. तो सारी चीजें इसके सपोर्ट में जा रही हैं. मुझे लगता है ये यहाँ से मेरे जो पहले मैंने ये शुरू किया था रिकमेंड करना, ये 10 रुपए से शुरू किया था. पहली बार मैंने टारगेट इसका 20 रुपए दिया था, वो अचीव हुआ. एंड देन फिर मैंने इसका टारगेट करीब 45 रुपए दिया, उसके बाद ये 40-41 तक आया. अब मुझे लगता है कि एक बार ये अब जो ये चलेगा ये बहुत तेजी से चलेगा और मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी मल्टी बैगर बनने की पूरी क्षमता रखता है. वंस इट विल क्रॉस, पहले तो ये 60 रुपए की तरफ जाएगा यानी कि डबल हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि आपको 85-87 तक के भी लेवल दिखाए. तो यहाँ से आप इस काउंटर पर बिल्कुल नजर बनाकर रखें, ये कंपनी एक बड़ी टर्न अराउंड की कैंडिडेट है, इसको बाय कर चले. ये कंपनी जो एक बड़ी टर्न अराउंड की कैंडिडेट है, आपको टारगेट जो है पहला 60 और दूसरा 85 तक जाता हुआ दिख सकता है. सर अगले अपडेट की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले सर आपने जो डिश टीवी पर अपडेट दिया था, मनोज साज जी वो पूछ रहे हैं सर डिश टीवी पर टारगेट एक बार बता दें, उनका उसमें होल्डिंग है सर. साहा जी देखिए अभी पहला टारगेट आप 22 से 23 रुपए के बीच का लेकर चले और एक टारगेट इसमें करीब 19.60 रुपए का भी बनता है. 19.60 रुपए वैसे इसने क्रॉस कर लिया, अगर ये 19.65 के ऊपर चला तो ये पहले तो 22-23 पर रुकेगा. एंड अगर इसमें कुछ और अच्छी स्टोरी, कोई अच्छा बायर इस कंपनी को खरीदारी के लिए आ गया या येस बैंक ने ही कोई बड़ा डिसीजन लिया या कुछ भी, तो ये मुझे लगता है कि ये शेयर कहीं भी नहीं तो ये कम से कम यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है. जी तो कम से कम यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है, यानी 30 अंकों, माफ कीजिए 15 अंकों की और बिल्कुल 30-32 रुपए आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका काउंटर. जी सर आपका अगला अपडेट. अगला अपडेट है जैन इरिगेशन. देखिए जैन इरिगेशन पर भी सेम स्टोरी है. इसमें हो क्या रहा था, इसकी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, कंपनी डेट ट्रैप में फंस गई थी, शेयर टूट कर करीब 150 रुपए से टूट कर ये 5-7 रुपए तक आ गया था. एंड देन हमने इसको 10 रुपए से पिक करना शुरू किया और मैंने इसको डबल ट्रिपल के टारगेट्स दिए, वो सब अचीव हो चुके हैं. लेकिन अभी मेरे टारगेट एक बसता है जो कि 45-50 रुपए की रेंज का है. एंड मैंने बीच में इस काउंटर पर थोड़ा नहीं बोला था क्योंकि उस समय मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी पिटाई होने के चांसेस लग रहे थे और मैंने काफी शेयरों में बोला भी कि प्रॉफिट बुक करें, लेकिन इस काउंटर पर स्पेशली नहीं बोला था कि प्रॉफिट बुक करें. लेकिन यस मैंने ये बोला था कि पोजीशन अगर हल्की कर सकें तो ज्यादा बेहतर है. रीजन कि उस समय थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर मेरे भी दिमाग में आशंका थी, लेकिन अब चूंकि स्थिति काफी क्लियर है और सब कुछ साफ रोड दिखती है तो मुझे इस काउंटर पर भी कोई शक नहीं है कि ये नहीं चलेगा. तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अब अच्छा चलने के लिए तैयार है. चार्ट पर भी स्ट्रांग हो चुका है, 49-50 रुपए सीधा दिखता है कि यहाँ से चलना चाहिए और उसके बाद अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो वी विल लेट यू नो और जो भी टारगेट अगर रिवाइज करने होंगे सो विल इन्फॉर्म. ठीक है, तो इसके बाद जो इसमें टारगेट साइनिफिकेशन में आपको 45-50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. ये अपडेट 3 जिसके भी जैन इरिगेशन और मैके और रसल जो था वो सर के अपडेट थे. आगे और भी अपडेट होंगे सर, और कोई अपडेट है? देखिए बाकी अब मैं नए शेयरों पर बात करूंगा, बाकी अगर कोई अपडेट्स है तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दर्शक हैं वो खुद ही सवाल पूछकर अपने अपडेट सवालों में कोई अपडेट उसके फंडामेंटल्स या तो मैंने देखे ज्यादातर कंपनीज के हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जो कि काफी समय से वो कंपनी हमारी ट्रैकिंग लिस्ट में नहीं होती, तो मैं उस पर एक ओवरऑल व्यू तो दे सकता हूँ
लेकिन जो ऑथेंटिक व्यू है वो आपको वही एनालिस्ट दे पाएगा जिससे आपने कॉल ली है। क्योंकि वो देखिए दो चीजें होती है कि आप एक नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पूरा केस स्टडी करता है तब आपको राय देता है। आप अपने पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पता होता है कि आपको रोग क्या है, आपकी पुरानी केस हिस्ट्री क्या है, तो यही अंतर होता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी एनालिस्ट आते हैं, आपने मान लीजिए कॉल ली किसी एक एनालिस्ट से और आप उस कॉल को दूसरे एनालिस्ट से पूछते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको एक कंफ्यूजिंग व्यू मिले, तो आप ट्राई करें उसी एनालिस्ट के लिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर उन जिस एनालिस्ट ने कॉल दी होती है उनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए ये आपको चुनाव करना होगा कि आप किस एनालिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, फिर उन्हीं की कॉल लें और उन्हीं की कॉल्स का चुनाव करें। क्योंकि ऐसे आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे कि आप एक एनालिस्ट की कॉल ले लेते हैं और फिर दूसरा एनालिस्ट से दूसरा सवाल पूछते हैं तो वो एनालिस्ट कभी आपको उस एनालिस्ट की राय का हो सकता है कॉन्ट्रा व्यू दे दे, यानी कि अलग व्यू दे दे, तो वो आपके लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा, तो फायदा नहीं। ठीक है सर। सर जैसे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स के सवाल आते रहते हैं सर, अगर कोई ऐसी स्टॉक होंगे जिसे आप ट्रैक नहीं करते होंगे आप बता देना सर, उसे हम क्लोजिंग आवर में ले लेंगे। सर पहला रहेगा नॉर्सिल सर, नॉर्सिल देखिए मैं नॉर्सिल को अभी तक बाय की उसमें नहीं बोल, लेकिन एक दिन और सवाल आया था तो नॉर्सिल पर मैंने व्यू जरूर दिया था कि शायद ये इसके रिजल्ट्स का सीन था। आई थिंक देखिए इसमें 285 मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है और मुझे लगता है केमिकल्स में ये एक अलग कंपनी है और इसमें देखिए अगर आप ऊपर के भाव पर हैं तो आप 280-285 के बीच में निकल जाइएगा और अगर आपने नीचे के भाव पर लिए हुए हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नीचे के भाव पर लिए हैं तो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, ऊपर के भाव में लिए हैं। अगर सर ऊपर के भाव में लिए हैं तो एग्जिट करें या फिर होल्ड करके रखें? देखिए एग्जिट बिल्कुल करना होगा धीरे धीरे करके और मैं ये मानता हूं कि अगर ये काउंटर 295-296 के ऊपर क्लोज देता है तब आप इसमें एक बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप अपनी पोजीशन बनाएं, और वरना आप इसमें अभी एक काम कीजिए कि आप जैसे 280 आया, 285 आया, 290 तक आया, आप अपना धीरे धीरे माल अपना काटते रहिए और जब ये जिस भी दिन ये 295-296 के ऊपर बंद हो जाए तब आप इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा माल दोबारा से ऐड कीजिए। आपको नुकसान होगा 5-10 रुपए का कि आपने जल्दी काट दिया, लेकिन आपका एक व्यू जो होगा जो टेक्निकल व्यू है उससे आपको आसानी होगी और टेक्निकली ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को काट चुका होगा, तो जब ऑल टाइम हाई को कोई शेयर काटता है तो उसमें एक फर्दर रैली के चांसेस बन जाते हैं, वही इसके साथ होगा। ठीक है सर। सर अगला जो सवाल रहेगा टाटा मेटेलिक पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं सर? देखिए टाटा मेटेलिक्स यस हमने रिजल्ट्स पर ये कॉल दी थी और इसके टारगेट भी अचीव हो गए थे, ये 100-200 रुपए चला था आई रिमेम्बर, और ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है करीब जुलाई महीने की। मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि हमारे टारगेट्स अचीव हो गए थे और हम इससे एग्जिट भी कर गए थे। देखिए कंपनी अच्छी है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और जिस तरह की ये पिग आयरन बनाती है कंपनी टाटा ग्रुप की, और सबसे फाइनेस्ट कंपनी है, दुर्गापुर में इनका प्लांट है और महाराष्ट्र में दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में इनका प्लांट है और इनका प्लांट एक महाराष्ट्र में भी है। इन्होंने एक कंपनी आई रिमेम्बर की 2007-08 के आसपास इन्होंने एक ऊषा इस्पात करके एक शायद कंपनी खरीदी थी और उसके बाद इसका काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हुआ था क्योंकि उसके बाद इन्होंने डीआई पाइप जो होते हैं जो पानी और वाटर सीवेज में यूज होते हैं उसका बड़ा एक्सपेंशन किया था और उसकी उसके लिए इन्होंने क्यूबोटा कॉर्प करके एक जापान की कंपनी थी उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया था। तो उसके बाद से इसके फॉर्च्यून लगातार पिछले 5-10 साल में चेंज हुए, बहुत अच्छे से चेंज हुए, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बाय एंड टिप्स है और जिस तरह का मेटल का सिनारियो अब बन रहा है, जिस तरह से मैंने एक मेटल को सेल करके रखा हुआ था, अब मेरा मानना है कि मेटल से वो हमारा सेल हट चुका है, अब अगर किसी को बाय करना है
दे कैन बाय। इसमें देखिए एल्यूमिनियम शेयर तो पिछले दो दिन से चल रहे हैं क्योंकि एक अफ्रीका या अमेरिकी देश में किसी में वो तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर कुछ वहाँ से कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं एल्यूमिनियम के। तो कल मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम की बहुत सारी कंपनियों के शेयर 10-15% तक ऊपर थे। तो एल्यूमिनियम को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेजी से ऑलरेडी सर्ज आ गया। आप मेटल की स्टील से जुड़ी कंपनियों को लें, ये पिग आयरन बनाती है, पिग आयरन का यूज स्टील में बनाने में होता है रॉ मटेरियल के तौर पर। सो इट्स अ गुड कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी है, आप बाय कर सकते हैं। और इस क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स होंगे मुझे उससे भी उम्मीद है कि वो ठीक ही होंगे। Q-on-Q थोड़े हो सकता है कि उतने अच्छे ना हो, लेकिन YoY रिजल्ट्स ठीक होंगे, करीब 10% की ग्रोथ आपको मिल जाएगी, तो आप टाटा मेटेलिक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ये शायद T2T कैटेगरी में होता है। देखिए चार्ट पर और देख रहा हूं मैं, तो चार्ट पर भी इसमें एक काम करिए आप कि 1025 का एक स्टॉप लॉस ले लें और उसको स्टॉप लॉस को लेकर बाय करें, या आप ज्यादा थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस ले लें और इसको बाय करते जाएं और धीरे धीरे करके आप अपने इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लें और अगले 1-2 महीने का व्यू रखें, आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। तो 1-2 महीने का व्यू रखें, आप अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर आपको लंबे स्टॉप लॉस रखना है तो 1000 का रख लें, या फिर आप 1025 का स्टॉप लॉस लगा कर टाटा में टेलीपा करंट मार्केट प्राइस पर बाई कर सकते हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा आपके आगे पोजिशन लेने का, तो अभी विवेक सर को भी धन्यवाद करते हैं। सर बाजार लाइव मॉर्निंग एडिशन में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर।